नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राग एक्सप्रेस न्यूज। इस वक्त की खबर मध्य प्रदेश से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छोड़े हिटलर शाही। जी आपको बता दें, मध्य प्रदेश के कर्मचारी यूनियन ने केंद्र के समान महंगाई भत्ता और बड़ी पेंशन के साथ साथ अन्य 12 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को मुख्यमंत्री नाम ज्ञापन सौंपा है। बताया जाता है कि पूरे प्रदेश के लगभग 7.5 लाख कर्मचारियों की मांग जुटी हुई है। कर्मचारियों ने कहा है कि मुख्यमंत्री हिटलर शाही छोड़ दें, नहीं तो जिस तरह जर्मनी के हिटलर की दशा हुई थी वही दशा होगी। कर्मचारियों ने कहा है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री या भूल जाए कि प्रजातंत्र उनकी मुट्ठी में है, कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार करना बंद कर दे। आइए आपको सुनाते हैं कर्मचारियों ने किस तरह से अपना आक्रोश व्यक्त किया है और क्या है उनकी मांगे। बने रहिए प्राग एक्सप्रेस न्यूज के साथ, आपकी खबर हमारी नजर। यहाँ ज्ञापन सौंपने आए किस उद्देश्य? ये केंद्र के समान महंगाई भत्ता और पुरानी पेंशन लागू करने, दिपकी वर्गों का वेतन विसंगत एवं अन्य 12 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारी पूरे प्रदेश में ज्ञापन कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को दे रहे हैं। और आपके माध्यम से भी बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हिटलर शाही छोड़ दें। नहीं, हिटलर मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं, जिस तरह से जर्मनी और रूस का हालत हुई थी आज बहुत पहले की बात है। तो चाहे मोदी जी हों, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी हों, ये भूल जाएं कि ये पूरा प्रजातंत्र हमारे मुट्ठी में है। चूँकि गरीब अमीरों के लड़ा के आपस में और कर्मचारियों को एक तरफ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, कोई भी मांग कर्मचारियों को नहीं कर रहे। अभी 60 दिन तक स्वास्थ्य कर्मचारी संघ बेचारे हड़ताल में बैठे रहे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को 2 मिनट का समय नहीं मिला कि उनसे बात कर लें। मैं ये सभी कर्मचारी संघों की ओर से कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी आदत सुधार लें, अन्यथा जैसे 16 में उनकी हालत हुई थी, 18 में उसी तरह उनकी हालत पुनः होने वाली है। हम लोग संकल्प ले लिए हैं। मुख्य मांगे हमारी 12 सूत्री मांगे हैं। मैं मांग पत्र पढ़ के सुनाई देता हूँ आपको। प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी पेंशनरों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देते हुए एरियर की राशि का भुगतान किया जाए। प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी जो निगम मंडल इत्यादि का भत्ता व अन्य भत्ते सातवें वेतनमान अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों को समान दिया जाए। प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी सहित पेंशनों निगम मंडल इत्यादि के कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मंत्रिपरिषद के आदेश दिनांक 5 अप्रैल को पारित हो गया, अभी तक वो नहीं किए, मंत्रिमंडल ने कर दिया। लिपिक वर्ग को मंत्रालय के समय मान वेतन मान दिया जाए। पंचायत सचिव और स्थायी कर्मियों को 7वें वेतन मान का लाभ दिया जाए। प्रदेश के कार्य दैनिक वेतन भोगी संविदा स्थायी कर्मी या अन्य पदों में रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्तिकरण करने के उपरांत शेष पदों पर शेष भर्ती की जावे एवं विभागाध्यक्ष को अपने विभाग में उपरोक्त कर्मियों को नियुक्तिकरण के अधिकार दिए जावे तथा तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी के पदों पर आउटसोर्स से भर्ती पर रोक लगाए जाए, इनका कार्यभारित कर्मचारियों को अवकाश नवदीकरण का लाभ दिया जाए। भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ सरकार की बात, मध्य प्रदेश के हुए कर्मचारी जो 5वें वेतनमान में 1 जनवरी से 30 जून के मध्य वेतन वृद्धि प्राप्त करते थे, उन्हें एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए। प्रदेश के पटवारियों को ग्रेड पे में 2800 रुपये किया जाए, ग्रेड पे 2800 किया जाए। ये संयुक्त कर्मचारी संघ, सभी 8 संघ जितने संघ है, क्लास 1 से लेकर क्लास 1। राजेंद्र तिवारी। नमस्कार, मैं विनय कुमार शर्मा। इसमें मैं प्रयागराज में भीड़पुर में स्थित हूँ। यहाँ पे एक ये मारपीट का मामला आया है, जो कि गाड़ी के और बारात में तेज रफ्तार के चक्कर में थोड़ा कहा सुनी होती, उसके बाद ड्राइवर ने मतलब उसी में जानबूझ के हत्या कर दी गया, उसके सर पे मतलब गाड़ी चढ़ा दिया गया। मैं उनके पिताजी से बात करना चाहूँगा, क्या है अंकल जी पूरा मामला, जो कि ये लक्ष्मी गार्डन में जो बारात गई थी आपके रिलेशन में, वो बच्चा आपके बारात में गया था, क्या है पूरा मामला? मामला है, बारात पहुंची थी लक्ष्मी गार्डन सीतुपुर स्कूल के पास, और उस स्कूल में डीजे वगैरह बज रहा था, रोड लाइट चल रही थी, बच्चे सब डांस कर रहे थे। उधर से पिकअप सुअल लदी हुई पिकअप आई और बहुत तेज़ी से आ रही थी, तो उसको बच्चे लोग बोले थोड़ा सा सिलो चलो, तो जब सिलो करने की बात आई तो सिलो तो किया, लेकिन उसी पे बहस करने लगा। जब बहस किया उसके बाद कुछ और लोग मना किए, फिर हमको भी जानकारी हुई तो हम आके लड़ाई झगड़े को मतलब एकदम शांति से करवा के या गाड़ी डीजे को आगे बढ़ाए, इसको भी बोले हाथ जोड़ के कि जाओ भैया हो गया यार, बच्चे हैं सब, तो वो मान गया। उसके बाद सीतुपुर स्कूल के पास आके खड़ा हुआ, 5-7 लड़के वहाँ खड़े थे, वहाँ उसने कहा क्यों भाई मादरचोद, भागो यहाँ से, तुम लोग जाओ बारात में, यहाँ क्या कर रहे हो।
तो उसी में बच्चे लोग अपना नहीं बर्दाश्त कर पाए, बहस करने लगे। तो मेरा ये भतीजा जो विवाह था, ये भी हाथ दिया और कहने लगा कि क्यों ऐसा कर रहे हो, तो इसी को पकड़ लिए। और 7-8 लोगों लोग थे और एक लड़के को स्क्रू ड्राइवर और राड से मार भी दिए, उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया, जो भार्गव भीरपुर में नर्सिंग होम है, भर्ती है वहाँ भारद्वाज। और उसके बाद वो लोग पकड़े हमारे विभव को, कालर पकड़े और गेट के सामने ले आके गाड़ी बैक करके और पीछे किए, और पीछे करने के बाद एकाएक उसको छोड़ दिए और चल भाग गए। तो जब भागा तो वहाँ तो और बराती बराती सब तो आगे बढ़ गए थे। प्रयास किया, कोई प्रयास नहीं किया बराती, कम से कम मतलब जब फर्स्ट राउंड में बातचीत हुई तो उसको सब हम लोग बरात को ही आगे बढ़ा दिए थे। पब्लिक वहाँ से हट गई थी, कम से कम 100 मीटर की दूरी पर ऐसा किया इसने, आके रोक के और 5-7 लड़के पहुँचे और वहाँ पर जो है। तो उसके साथ वो भाई साथ उसमें तो और कुछ 2-4 भाई उनके मतलब रिश्तेदार, हमारे रिश्तेदार में अब वही 5-7 लड़के बचे थे वहाँ पर। और वह एक लड़का आया, कहीं बाहर से आया था, तो उसी के इंतज़ार में वो लोग वहाँ खड़े थे और वो आ गया। उसके बाद ये लोग पहुँचा और गाली दिया, उतने में वो लोग आपस में नहीं कंट्रोल कर पाए और बहस ही बहस आ गई।